सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट रॉयल ब्लू इज, राइट दीप? हाँ, आजकल रॉयल ब्लू और कल का पिंक दोनों का मिक्स करके लेके आए हैं सिद्धार्थ जी। वेरी नाइस टू बी स्मार्ट। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर द अप्रिसिएशन। ये पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि मैं ट्राई करूं आज ही। और आपको सुबह मैंने शर्ट, आपको डीप को मैंने शर्ट और टाई में देखा, तो मैंने भी जैकेट को पीछे ही छोड़ दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस कर लिए। बहुत ही बढ़िया, ट्यूनिंग कर लिया। नाइस नाइस, वेरी नाइस। बताए सर। बिल्कुल अंजी, आज का जो थीम है उसका नाम है ग्लोकल, मतलब ग्लोबल कंपनियां जो लोकल में काम कर रही है। बहुत अच्छा, ग्लोकल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों का एक थीम लेके आया हूं। ग्लोकल इस पे खरीदारी की राय है। एमएनसी कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है, लेस वल्नरेबल है टू ग्लोबल वॉलेटिलिटी। हाल में अब बहुत जल्द ह्यूंडई, जो अगेन वन ऑफ द एमएनसी, उसका आईपीओ भी आने वाला है जो मार्केट को बूस्ट करता है। ये सब कंपनियां जो होती है एमएनसीज, वो एडवांस टेक्नोलॉजी लाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस लाती है, हेल्दी बैलेंस शीट होती है, और रिटर्न रेशियोज जो आरओई हम कहते हैं वो भी काफी बेहतरीन होता है। लो डेट, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी होता है जानना कोई भी कंपनी में निवेश करने के लिए, और ये कंपनियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेके आती है, जिसके कारण और भी ज्यादा इनोवेशन कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स में। डेट फ्री कंपनियां और हाई ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस, तो एमएनसी कंपनियों पे आज का थीम है, और उसका ओवरऑल जो नाम रखा है वो है ग्लोकल, ग्लोबल कंपनियां जो लोकल में अच्छा काम कर रही है। लोकल में अच्छा काम कर रही है, ग्लोबल और लोकल की थीम बनाकर, ऐसा मतलब लग रहा है जैसे मतलब सिद्धार्थ जी को इनको अपना स्टार्टअप ही शुरू करने है। हाँ। ये सारे इस तरह के नाम स्टार्टअप वाले बहुत रखते हैं। क्लीन का नाम के एल ई एन लिख रखेंगे, KLIN रखेंगे, CLIN, मतलब जो पढ़ाया उसको अनलर्न करने की कोशिश की जा रही है। तो ग्लोकल, ये है सिद्धार्थ जी की थीम। बताए सिद्धार्थ जी, कौन से स्टॉक चुने आपने और किस प्रोपोर्शन में करनी है खरीदारी? बिल्कुल जी, बहुत सारे मशक्कत के बाद चार कंपनियां चुन के लाया हूं। मशक्कत इसीलिए क्योंकि इनमें से दो कंपनियां तो भाग चुकी है, टारगेट के नजदीक आ गई है, तो रिप्लेसमेंट भी लाया हूं, बट फाइनल चार कंपनियां आपके सामने है। सबसे पहला शेफलर इंडिया। शेफलर इंडिया पे खरीदारी की राय है, टारगेट 4300 का, सितंबर 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। शेफलर, शेफलर एजी की कंपनी, जर्मन बेस्ड, 74% की होल्डिंग पेरेंट की, हाई प्रिसिशन रोलर्स बॉल बेयरिंग्स बनाने की कंपनी, इंडस्ट्रियल ऑटो सेक्टर को सप्लाई करती है। आरओई 22% का, रेलवे बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, 15-17% में ग्रोथ दे रही है। न्यू ऑर्डर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से आ रही है और एक्सपैंड करना चाहती है अपना। दूसरी कंपनी होगी क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया जिसपे टारगेट है 4166 का, इसका जनवरी 2021 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। डीजल इंजन बनाने की कंपनी है, यूएस बेस्ड है, पावर जनरेटर्स 53% का मार्केट शेयर रखती है, आरओई 27% का, मार्जिन 5% से ज्यादा इजाफा देखा गया पिछले क्वार्टर में। Q1 स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखा रही है, FY25 का गाइडेंस रेवेन्यू का 13-14% का, डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल 18% की ICAGR से ग्रो हो सकती है। तीसरी कंपनी होगी कांसाई नेरोलैक, इसका टारगेट रहेगा ₹340 का, अप्रैल 2021 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये जापानीज कंपनी पेरेंटेज है, मार्केट शेयर काफी स्ट्रॉन्ग है इनका ऑटो कोटिंग सेगमेंट में, थर्ड लार्जेस्ट डेकोरेटिव प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ पेंट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सेकेंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कार सेल्स में काफी ट्रैक्शन बन सकता है। अबिट्टा कामकाजी मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, अराउंड 14.2%। और चौथी अंतिम कंपनी होगी यूनाइटेड ब्रूवरीज, इसका टारगेट रखेंगे 2350 का, मार्च 2021 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। डिस्क्लेमर, हेनिकन डच एमएनसी है, 58% का होल्डिंग रखती है हेनिकन, इसमें प्रीमियम मार्केट्स जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद में इनका बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 44% का बियर इज स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट इन इंडिया, लॉन्च किया है हेनिकन कर्नाटका, क्वीन स्पेशल का जो ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया, यहाँ से अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं, मार्जिन 400-500 बेसिस पॉइंट हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, चारों कंपनियों को आप खरीद सकते हैं इन मेन पर्सपेक्टिव से। और ये दो कंपनी जो मैंने इसमें से हटाया, जो टारगेट वो था SF इंडिया और बेयर क्रॉप।
यह है आपके लिए राय चार इन बेहतरीन शेयरों में ग्लोबल और लोकल की थीम को मिलाकर खरीदारी करने की आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए बढ़ते